हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 14 ऑफ क्लास 11th फ्रॉम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट केपी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। This lecture is very, very important for those students who are preparing for GE or NEET with the 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए, आज का ये lecture बहुत ही important है और सभी GE और NEET के student को इसे बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक equation लिखता हूँ, देखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मुझे अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, मुझे अमोनिया का फॉर्मेशन करना है और इसके लिए मुझे क्या निकालना है, केपी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो बहुत सारी स्टेप हैं, लेकिन सिस्टमेटिक है, आप इसका ही पालन कीजिए और आप कैसा भी कठिन से कठिन इक्वेशन यहां दे दे, आपको इसी प्रोसेस से निकालना होगा। तो क्या करना है, मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है। नाइट्रोजन यहां पर 1 मोल है तो आपने 1 मोल लिख दिया, हाइड्रोजन यहां पर 3 मोल है बच्चों तो आपने 3 मोल लिखा, और अमोनिया यहां पर 2 मोल बन रहा है तो आपने 2 लिख दिया। बस यही है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो मोल्स दिए गए हों उनको आपने यहां पर लिख देते हैं। इनकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए ध्यान से, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया, क्लियर? तो चले अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं इनिशियल मोल्स, शॉर्ट में लिखिए इनिशियल मोल्स, यानी अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आई है। इनिशियल मोल माने, इसको मैं मान लेता हूं नाइट्रोजन के मेरे पास हैं ए मोल, हाइड्रोजन के पास हैं बी मोल, और जब अभी इनिशियल मोल होता है तो प्रोडक्ट को 0 लिखा जाता है, प्रोडक्ट को 0 लिखा जाता है इनिशियल मोल की कंडीशन में। और ये वैल्यू हमने ए और बी मान लिए कि ये ए मोल है, दूसरा बी मोल है। इससे आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर मोल्स कैसे लिखे जाते हैं, बड़ा सरल है। इसको लिखा जाएगा, ए तो दिया हुआ है, ये 1 मोल है तो इसमें से 1x कम कर देंगे तो इसको लिखेंगे ए माइनस एक्स, बी के 3 मोल हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा बी माइनस 3x, और ये 2 मोल है तो यहां पर लिख दूंगा 2x। ये है इसका तरीका इक्विलिब्रियम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब पेपर में आप जी मेंस और एडवांस का पेपर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर मिलने वाले, एक एक स्टेप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया, ए तो लिखा ही हुआ था, ए और बी और 0, बस आपने जितने मोल हो उतने ही एक्स कम कर दीजिए, यानी एक्स का मतलब कितना ये N2 और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए में से नाइट्रोजन कितना कम हो गया, हाइड्रोजन कितना कम हो गया, तो इसी के रेशियो में कम होता है, ये जितना लिखा है उतना ही लिखेंगे। आ गया समझ में, ये बस मेन चीज आपको लिखना सीखना है। फोर्थ स्टेप में आपको पार्शियल प्रेशर लिखना बता रहा हूं। पार्शियल प्रेशर को ऐसे लिखा जाता है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ए माइनस एक्स अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ये मैं अभी निकालना आपको देखो बताता हूं। ये इन तीनों को जोड़ देते हैं, a माइनस एक्स, b माइनस थ्री एक्स और 2s, तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, जो अपन नीचे अभी पहले निकाल कर बता देता हूं आपको। टोटल मोल्स कितने होंगे ये देखिए, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस थ्री एक्स प्लस 2x, कहां से आए ये लिख दिए, तीनों को जोड़ दिया, बस सिंपल सा काट दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा देखिए, माइनस एक्स कट जाएगा और ए 2x में से 2 कट जाएंगे, यानी एक एक्स एक कट गया प्लस माइनस, अब हमारे पास एक एक्स, इसको भी काट दीजिए, इसमें से ये कम हो जाएगा तो ये बचेगा 2x, तो a प्लस बी माइनस 2x ये आ गया, a प्लस बी माइनस 2x। आप इसको सॉल्व करना सीख गए, यानी इतने मान लीजिए ये 2x है और ये है 3x, ऐसे समझ लो, तो यहां पर बनेगा मेरे पास कितना 1x बचेगा और एक 1x यहां पर है, तो हमारे पास कितना बचा टोटल 2x, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्लियर ही आ गया, a प्लस बी माइनस 2x, तो यहां पर जो आपने लिखा ना a माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां आएगा a प्लस बी माइनस 2x, ये आ गया, ये पार्शियल प्रेशर किसका हो गया, नाइट्रोजन का। अब आपको हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे यहां पर b माइनस 3x अपॉन, ये लिख दीजिए a प्लस बी माइनस 2x, बड़ा सिंपल है, बस आपको स्टेप समझना है, ऐसे ही सेम इसे लिखेंगे 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, इतना सा कर दिया। मेरे अंदाज में बहुत ही सिंपल है, अगर आपको स्टेप सिखा रहा हूं, ये स्टेप जब आपको आ जाएंगी तो आप लास्ट तक हमारे क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। ये हमने पार्शियल प्रेशर लिखाया है, इसके साथ में हमें टोटल प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी जो रिएक्शन में बताऊंगा। पार्शियल प्रेशर में ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये यहाँ पर आ गया इनिशियल मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू पी, जो कि मैं रिएक्शन में सिखाऊंगा आपको। अब ये आ गया टोटल मोल्स आ गए, अब क्या करना है आपको, अब आपको अप्लाई कर देना है लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, पार्शियल प्रेशर के रूप में तो इसे लिखा जाता है देखो ऐसे, Kp इजिकल टू ये होता है, ये यहां पर प्रोडक्ट है और ये यहां पर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसे काय के रूप में लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर के रूप में। तो इसको लिखेंगे देखो कैसे, ये वाला P PNH3 अपॉन PN2 ब्रैकेट लगा दीजिए सबका, इंटू पी क्या लिखोगे H2, और पावर पे कितना है 3 है तो यहां पावर लिख दीजिए 3, NH3 की पावर कितनी है 2 तो पावर लिख दीजिए 2। ये इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा जाता है, जैसे लिखते ना Kc के लिए एक्टिव मास अपॉन प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बस अब आपको क्या करना है, इसमें पार्शियल प्रेशर यानी ये वैल्यूज को पुट कर दोगे किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ इंटू करके। तो देखिए अब यहां पर लिखूंगा पुट द वैल्यू, कैसे वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी पी, कैसे लिखेंगे पी की पी की वैल्यू, ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको। तो यहां देखिए ये हो जाएगा हमारा के पी इजिकल टू, अब पी एन एच थ्री की वैल्यू कौन सी है ये देख लिए, पी एन एच थ्री की वैल्यू ये है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2x अपॉन
ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसके साथ में एक चीज आपको और करना है, ये लिखिए स्क्वायर लगाया मैंने, ये यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें प्रेशर को भी यहां पर इंटू करेंगे इंटू पी, क्योंकि दो वैल्यू है तो यहां पर पी स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा सबसे ऊपर आ गया, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू। साथ में जब भी पार्शियल प्रेशर लिखेंगे इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। पी स्क्वायर दो बार है तो दो बार लिखेंगे, एक ही बार होता तो केवल एक ही बार पी लिखते, यानी पी माने टोटल प्रेशर। अब अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या आएगा, देखिए अपॉन में ये वैल्यू आना है पी एन टू की और पी एच टू की, तो पी एन टू की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो यहां पर अपन लिखेंगे ये माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ब्रैकेट लगाओ इंटू पी, ए आ गया ये वैल्यू। उसके बाद फिर इंटू, अब आपको ये हाइड्रोजन की वैल्यू लिखना है, कौन सी, ये वाली बी माइनस थ्री एक्स, बी माइनस थ्री एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस टू एक्स, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, पावर कितनी दी गई है थ्री, तो पावर लिखेंगे थ्री, और यहां पर इंटू पी टू दी पावर थ्री। ये देखिए मैंने केवल इन सब की वैल्यू आपके सामने रखी है, कहां से, पार्शियल प्रेशर की ये वाली वैल्यू, ध्यान से देख लो, पार्शियल प्रेशर है ये, पी माने पार्शियल प्रेशर है, इसको पार्शियल प्रेशर के रूप में। साथ में एक नई चीज क्या जोड़ दी, टोटल प्रेशर, तो जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसमें, जैसे यहां पावर थ्री है तो आपको पी थ्री कर दिया, यहां पर पावर कुछ भी नहीं है एक ही है तो एक ही है, यहां पावर टू है तो यहां पर पी टू कर दिया, पी स्क्वायर कर दिया, सॉरी, ये वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहां पर आगे आते हैं, इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तरीका यहां पर सीख लीजिए, बहुत ही सरल है। इसमें नाइन्थ और टेंथ क्लास का सिंपल सा मैथमेटिकल पार्ट है, यानी मैथमेटिक्स यूज होगा, जो आपको करना सीखना ही है, बिना सीखे हम इन एग्जाम्स को फाइट तो नहीं कर सकते। सरल की तरफ जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको इन प्रोसेस से गुजरना है। हमारा हो क्या रहा है, हकीकत में हम सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला रट के जा रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व नहीं होते। और आप क्या सोचते हो कि हमें कोई किसी ने सिंपल पढ़ा दिया और ये तो बहुत सरल है और हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि सिंपल पढ़ने में आपको अच्छा तो लग सकता है, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको जो रियल प्रोसेस है ये सीखना पड़ेगी, फाइनल फॉर्मूला कैसे आएगा, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सेकेंडों में सॉल्व हो जाता। अब आपका मैथ्स कमजोर है, आपने इस प्रोसेस को नहीं समझा मैं कैसे कर रहा हूं, यही बार बार, ये कॉन्सेप्ट है और एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बुक्स में डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर मैंने ये रिएक्शन आपको सिखा दी है तो इस रिएक्शन के आधार पर किसने भी टाइप की रिएक्शन हो आपको यही नकल करना है। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये बातें मुझे बीच में इसलिए बताना पड़ती हैं कि आप इसके प्रति एकदम सीरियस हो जाएं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली संख्याओं को ऊपर ले जाते हैं। तो देखो यहां पर लिखता हूं मैं, केपी इज इक्वल टू, इसको तो दो बार लिखना है तो छोटा छोटा करके लिखता हूं, टू एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ये लिख दिया एक बार, ठीक है, इनटू एक बार और लिख दो, इससे आपको काट पीट करना सिखा दूंगा मैं इसमें, टू एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस टू एक्स। देखिए इस संख्या को मैंने दो बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है और पी क्या है, स्क्वायर है, तो इनटू यहां पर मैं पी को भी स्क्वायर कर देता हूं, फिर इनटू लगाता हूं,
यहां पर इनटू मैंने इसलिए लगाया कि मैं इन संख्याओं को ऊपर ले जाता हूं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट काटना कई बच्चों को नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि नाइन्थ क्लास का बच्चा भी अभी से कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दे तो वो भी इसे कुछ सीख सकता है। आप तो 11, 12 या ड्रॉपर हो सकते हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो सकते हैं, वहां भी बीएससी क्लासेस में इस टाइप की डेरिवेशन आती है। ओवरऑल केमिस्ट्री आप सीखने का लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइएगा इसे सीख करके, ठीक है। तो चलो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2x अपॉन, ये नीचे चला जाएगा a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ये नीचे चला गया, ठीक है। और ये p था तो ये 1 अपॉन p हो जाएगा, तो इंटू यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन p। देखिए मैंने इस संख्या को उल्टा करके लिख दिया, p को 1 अपॉन p कर दिया। अब ये तीन बार है, इसको तो जगह ही नहीं बची, इसको ऐसा ही क्या ऐसा उल्टा करके लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। चलिए अब यहां पर क्या है, यहां पर ये थोड़ा सा संख्याएं ज्यादा हैं तो इसको अपन होल करके ही लिख देंगे। तो a पहले ले लीजिए ऊपर, a प्लस बी माइनस 2x अपॉन क्या आ रहा है नीचे, b माइनस 3x, ओके। और इस पूरे की पावर है 3 इंटू p को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन p, इसको भी क्यूब करके लिखेंगे। देखिए ये संख्या आ गई, बस मैंने क्या किया समझ लो ध्यान से, ये वाली संख्या को मैंने उलट करके लिख दिया और ऐसे ही बना ली। अब इसमें क्या हमें संख्याओं को काटने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से काट लेंगे। देखो जरा कैसे काटना है हमें, नीचे देखो कितनी संख्या है, ए प्लस बी नीचे भी है और ए प्लस बी ऊपर भी है, तो एक तो ये कट सकती है, तो कैसे काटेंगे थोड़ा समझ लो अच्छे से। मैं इसको काट रहा हूं, ए कट गया, इससे ऊपर वाला ए काट दिया, ओके। अब मैंने क्या करना है, ए प्लस बी एक और है तो एक इसमें से काट देते हैं, देखो इसको काट दिया और ये कितने हैं, ये 3 है तो एक काट देते हैं, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन नीचे वाला 3 ही रहेगा, तो इसमें से मैं एक काट देता हूं तो यहां पर लिख देता हूं 2, एक कट जाएगा तो ठीक है, समझ में आ रहा ना, 3 थे तो ये 2 बचेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले 3 ही रहेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब p को देख लीजिए, p ऊपर स्क्वायर में ये 2 हैं तो एक एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, अब कितने बचेंगे यहां पर, 2 बचेंगे, ऐसे बचेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर के 2 बचेंगे, यहां पर p दोनों कट गए। अब यहां पर इसको हम उतार लेते हैं, अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, तो यहां पर मैं लिखूंगा के पी इज इक्वल टू 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, एक तो ये देख लिया और क्या बचेगा, यहां पर देख लिया ये कट गया, ब्रैकेट में आ जाएगा a वाली संख्या बचेगी a प्लस बी माइनस 2x का, एक कट गया था 2 बचे हैं तो यहां पर स्क्वायर, ओके। और क्या है ऊपर, और तो कुछ नहीं है, नीचे देख लेते हैं, अब नीचे क्या क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ ये कट गया पी स्क्वायर कट गया, नीचे बचा हमारे पास a माइनस एक्स, ये आ गया, और देखिए ये पावर 2 मैंने ऊपर का किया था, ये 3 बचेंगे तो b माइनस 3x और इसकी पावर 3 और 1 अपॉन p, तो p कितने बचे थे, 2 बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इनटू लगा के लिख दी। देखिए ये बचा हमारा, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व बच्चों नहीं होगा, तो काटना पीटना सीखना है, ये तो मैं आपके लिए इतना किया, और थोड़ा बड़ा बोर्ड होता वहां तक तो मैं आपको अलग अलग लिख के बता देता, तो समझ रहे हो, यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं कि ये 3 थे क्यूब था तो मैंने यहां पर एक काट दिया, 2 बचे हैं ऊपर, ये बता रहा हूं आपको, और नीचे वाले का पावर 3 ही बचेगा, नीचे वाली पावर मैंने 3 लिखी है, ऊपर वाली पावर मैंने 2 लिखी है, एक वाला वो काट दिया इससे। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, ये केपी इज इक्वल टू यहां इसी के एवरेज में लिख देते हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है
कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका और बताता हूं इसका। देखिए यहां पर a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 3 है, तो ये वैल्यू अगर हम यहां पर लिख लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे यहां लिख देता हूं, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब इसको मैं लिख के बताता हूं आपको। यहां पर देखिए के पी इज इक्वल टू 4x² ब्रैकेट में ये 1 प्लस 3 माइनस 2x की पावर 2 अपॉन, देखिए नीचे क्या आना है, एक ही जगह 1 माइनस एक्स, बी की जगह 3 माइनस 3x की पावर 3 इंटू पी स्क्वायर। देखिए बस मैंने ए और बी की एच ही लिख दी। अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को भी सॉल्व करेंगे, नीचे वाली को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर आएगा के पी इज इक्वल टू 4x², 3 ओपन पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस 2x और ऊपर स्क्वायर हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना, नीचे वाली संख्या को और लिख लें, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स और इसको कॉमन ले लें 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस x^3 ये कॉमन ले लिया है इंटू पी स्क्वायर। देखिए और सरल कर दिया इसको मैंने, ये बड़े ब्रैकेट में आएगा यहां पर इस टाइप से है ये, ठीक है। अब इसमें और इसको सिंपल बनाते हैं, तो यहां पर इसको अपन कॉमन ले लेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या करना है आगे, तो देखो यहां पर लिखेंगे मैं केपी इज इक्वल टू, ये है हमारा 4x², इसमें ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया यहां पर, इसको बाहर ले लिया तो 2 2 जा 4 2 यहां पर आ जाएगा और माइनस 1x यानी केवल x^2 ये आ गया। अब 2 ये जो बाहर निकालिया इसका भी स्क्वायर है ये, तो 2 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर था तो ये भी 2 स्क्वायर रहेगा। ओके, तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा अभी बताता हूं। नीचे देखिए 1 माइनस एक्स, इसको जैसा का जैसा लिखते जाइए, और यहां पर 3 कॉमन लिया था, ये भी 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सिंपल करते हैं और x की वैल्यू भी बता देते हैं, यहां पर लिख देते हैं x, ये वाला x की बात कर रहा हूं, x इज लेस देन 1, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, यहां पर kp इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, तो अब क्या हो जाएगा ये, यहां पर x इज लेस देन 1 है तो 2 बचेगा, ये तो 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 16 × 4 होगा, तो 16 × 4 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स को 1 मान लेंगे तो ये भी खत्म हो गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा और ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कितना हो रहा है 1 माइनस x^4 और ये 3 है, 3 की पावर 3 आ ही रहा है और इंटू पी स्क्वायर आ रहा है। देखिए और सरल हो गया, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3 ये आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये 3 बाहर था इसका भी ये स्क्वायर है तो ये 3 3 का पावर कर दिया पी स्क्वायर जैसा का जैसा लिखा। इसको और सिंपल करके लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए के पी इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, एक्स स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 27 27 और 1 माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन बने तो ये 1 रह जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा होगा 27 पी स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। यहां पर इसको ध्यान से देख लेना, एक्स इज लेस देन 1 देन एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, नहीं तो इसलिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 तो 1 की पावर 4 1 ही होगा और तो 3 2 की पावर 3 और पी 2 करके ऐसे निकाल दिया। चलो ये क्लियर हुआ, अब हमारा ये आंसर आएगा केपी इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर 27 पी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है केपी का। इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले तो इस फाइनल आंसर को अपन डिब्बे में बंद करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू केपी इंटू 27 पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं मुझे एक्स इस, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स और ये हमारा प्रेशर, ठीक है ये क्या है प्रेशर है, तो इस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं जो साथ में आपने दिया ना सारा, ये टोटल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर से एक्स यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है, तो इसको देख के आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर इसमें अगर इक्वल में बदलूंगा तो केपी आ जाएगा, संख्याओं को इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, तो एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर या एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी, ये हमारा फाइनल आंसर आया है और इसी पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो दूसरा फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो हमें क्या क्या चीज निकाल ली इसमें, हमने केपी निकाल लिया, केपी का ये फॉर्मूला, हमें एक्स यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो गया, और पी मींस क्या है, पी मींस है टोटल प्रेशर पी, और केपी क्या है, केपी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारी इतनी चीजों का हमारा रिलेशन बन जाता है। तो मेन फॉर्मूला ये वाले को आप कवर कर लें, दूसरा मेन फॉर्मूला ये है इसको कवर कर लें, ये है हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना आपको सीखना है, जब ही आप इसको निकाल पाएंगे, यहां पर ये जो प्रोसेस बताइए ये मेन है और मेन फॉर्मूला ये है, और मैंने यहां पर जो सॉल्व किया इससे भी और सिंपल तरीके से अगर आप आता है तो आप कर लीजिएगा। यहां पर आपको लिखना बता दिया कैसे क्या किया है, थोड़ा बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से कई स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, तो उनको आपको समझने की कोशिश करना है और आप निकाल लीजिए फाइनल फॉर्मूला, तो हमें यही निकालना है। अब इसको आप निकालने के लिए यहां से डायरेक्ट भी यहां तक जा सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है। तो बच्चों ये है हमारी रियल स्टडी केपी निकालने की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की। आप इस एग्जाम्पल को मेन एग्जाम्पल मान करके किसी का भी केपी निकाल सकते हैं, केसी निकालना भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था इसी इक्वेशन के लिए, तो आप केसी निकालना सीख लीजिए, और बहुत सारी अलग अलग इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में सिखाई हैं वहां से आप सीख सकते हैं, प्रोसेस सेम है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर ये आपको आ जाता है तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको आसानी से सिखा सकता हूँ, डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप रियल वे में 11th क्लास में अभी हैं या 11th क्लास आपने पास कर लिया 12th में पहुंच गए
और आपका ये टॉपिक कमजोर रह गया, तो छोड़िए नहीं मत इसको, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, और आपके कोई भी विचार है वो मुझे बता सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कुछ मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अगर आपको वास्तव में इनको इसी फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में चाहिए, तो इस टॉपिक की पूरी बुकलेट अवेलेबल है, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे सॉल्व हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जिन क्वेश्चनों की संभावना है वो क्वेश्चंस, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ जैसा लिख रहा हूँ वैसा बुकलेट में अवेलेबल है। ये बुकलेट भी आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर लिख करके मुझे भेजिएगा। ये बुकलेट मात्र 100 रुपीज में है और 100 रुपये में आपको ये पूरी यूनिट ऐसी की ऐसी मिल जाएगी, तो आप बुकलेट भी मंगा सकते हैं। वरना कोई ज़रूरत नहीं है बुकलेट की, यदि आप बोर्ड पर उतार रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो बुकलेट की कोई ज़रूरत नहीं। बुकलेट में भी जैसा का जैसा ऐसा ही मैंने लिखा हुआ है, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं समझने के बाद मुझे प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए, तो ये प्रिंटेड नोट्स आप 100 रुपीज़ में मंगा सकते हैं व्हाट्सएप से। दूसरा, आप मेरी वेबसाइट पर, मेरी एप्लीकेशन पर भी जाते हैं, वो इसी नाम से है, सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पर मेरी एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आप वहाँ से भी पढ़ना चाहें या आप लाइव लेक्चर सुनना चाहें, वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी, जो भी चीज़ पसंद हो आप कर सकते हैं। वरना सबसे बढ़िया, मैं आपको डेली पढ़ा ही रहा हूँ, आपको सारी की सारी स्टडी ऑथेंटिक मिल जाएगी। तो चलो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपकी कोई भी इंक्वायरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच।